हेलो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटी। ये बताओ, तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं। माँ आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, बाहर अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की आंसू धारा बह निकली। बेटी और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सवित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटी से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सवित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। रवि अकेला आया था। उसने कहा कि माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बुढ़िया ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में रवि ने मकान बेच दिया। सवित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटे जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। रवि टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुँच कर रवि ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सवित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सवित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रवि गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टक की आवाज लगाने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी किस से मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्ध से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा। सवित्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई है। क्या नाम था आपकी बेटी का? कर्मचारी ने सवाल किया। रवि। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा रवि तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्ध की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम काँप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने बिरती से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंख से आंसू आने लगा। दोस्तों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, माँ तो माँ होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करना, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।